हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें जो है किस तरह के क्वेश्चंस जो है पुटअप हो रहे हैं, इस पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि 23rd और 24th, ठीक है, दो दिन। 23 और 24 सितंबर को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वही आपका पुराना क्वेश्चन, ठीक है, साइंस से है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, मैंने इन सब क्वेश्चन का जो है आंसर पहले ही बता दिया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो जब किसी वस्तु को, ठीक है, किसी द्रव में जो है वो पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो जो है अपने भार में कमी का आभास करता है। ठीक है, और भार में जो ये आभासी कमी होती है ये वस्तु के द्वारा हटाए गए जो है द्रव के भार के बराबर होता है और इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, सेकंड है आपका उत्प्लावक बल, ये आपका जो है ना ये आधा पाव होगा। चलिए सेकंड है आपका प्लावक बल। ठीक है, उत्प्लावक बल क्या होता है, तो ये द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण जो है वो वस्तुओं को ऊपर की तरफ ढकेलती है। ठीक है ना, वस्तुओं को जो है वो ऊपर की तरफ ढकेलती है, ठीक है, उसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, ये पूछा गया है आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट से। ठीक है, तो बताया गया है और कराया भी गया है, तो ये आप देख लेंगे खुद से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है बता चुकी हूँ, 40 है। ठीक है, 2021 में भी दो ऐड हुई हैं, मैंने बताया है आपको। रामप्पा जो था टेंपल, ये आपका तेलंगाना और शिव मंदिर है ये, और एक है आपका धोलेवीरा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, कंप्यूटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर, या फिर पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडुकेशनल या फिर एडुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, एंड रिसर्च। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबंधित है, ठीक है, तो इनके विषय में जरूर से देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि इनका नाम जो है, फिर ये कौन है, ठीक है, और इनके विषय में और भी जो चीज़ें जो इनकी उपलब्धियाँ हों, या फिर इनके विषय में इनके नाम पर कहीं और भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग इसको देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूपी की महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं बतानी थी। ठीक है, यूपी के फीमेल से रिलेटेड योजनाएं, ठीक है, तो कोई भी योजनाएं आप बता सकते हैं जो महिलाओं से संबंधित हों। ठीक है, यूपी की महिलाओं से संबंधित कोई भी योजना आपको बतानी है, तो मैंने कई सारी बताई हैं, आप उसमें से कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है यूपी फर्स्ट फीमेल मुख्यमंत्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है भारत की पहली महिला सीएम, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट फीमेल सीएम। तो भारत की पहली महिला सीएम कौन रही हैं, और वो भी जो है आपका, ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ये सीएम नहीं होना चाहिए, ये पीएम है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पीएम कर लीजिए, इंडियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो ये इंदिरा गांधी होंगी, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वेस्ट बंगाल सीएम, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है अभी वर्तमान में, तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है आपकी ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठा है आपका, भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो कौन है, तो वो है आपकी निर्मला सीता रमन, निर्मला सीता रमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से और भी कैबिनेट में कुछ क्वेश्चंस उठे हैं, तो आप जो है उस क्वेश्चंस को जो है इसी से रिलेटेड, जो कैबिनेट से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस आप देख लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति, ठीक है, सभापति कौन है अभी वर्तमान में, तो ये हैं आपके हृदय नारायण दीक्षित जी, हृदय नारायण दीक्षित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस आप बताएंगे 5 सितंबर। इसके साथ ही में युवा दिवस 12 जनवरी, और एक शायद मैंने पहले बता दिया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दो दिसंबर। नेक्स्ट इसके बाद से है क्वेश्चंस, हो सकता है थोड़े बहुत रिपीटेड भी हों, ठीक है, लेकिन सभी रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। प्रायिकता से एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, डिफाइन भी करने को पूछा गया था प्रायिकता। उसके बाद से औसत से, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत की साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है, ये 73% है लगभग, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात ये है आपका 943, ठीक है, फॉर 1000, कहीं कहीं आपको 944 भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो इसे मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे अधिक साक्षर राज्य पूछा है, ध्यान रखिएगा कि राज्य के बारे में पूछा गया है, तो ये है आपका केरल, ठीक है, केरल। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूपी में जिले कितने हैं,
तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं, कितने जिले हैं, 75 हैं, ठीक है, और इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हैं, याद रखिएगा, यूटीज 8 हैं, ठीक है, तो यूटी कितने हैं और आपके जो हैं राज्य कितने, स्टेट्स कितने हैं, 28 और 8, ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यूपी की गवर्नर कौन है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तुलसीदास के दोहे, तुलसीदास के कोई भी दोहे आपको अगर याद हो याद कर लीजिएगा, जो भी तुलसीदास के, कबीरदास के, रहीम के, जो भी मतलब हिंदी वाले बच्चे हों याद कर लें, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है अक्सर पूछा जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना, स्वर कितने हैं, ठीक है, कितने हैं स्वर, 11 हैं, ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद की रचना गबन गोदान और भी जो आपको पता हो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। और नेक्स्ट है आपका ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, तो जो भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हों वो कमेंट करेंगे, ठीक है, कितने प्रकार की होती है बताएंगे कमेंट करके। ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 26, ये आपका है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में, ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने हैं, ठीक है, और विधान परिषद कितने हैं, 100। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, तो कुछ मैंने आपको पहले भी बताया था कि केमिकल फॉर्मूले जो हैं वो आपको पता होने चाहिए अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो, या फिर पीसीएम आपका है तो, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इसका जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिया था, आप वहाँ से देख लेंगे इसको, ठीक है। अभी वर्तमान में जो आपका क्वाड समिट चल रहा है ना, तो इसके विषय में भी कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा ज़रूर से। लगातार पूछी जाने वाली चीज़ें आपका जो है टोक्यो ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक्स, तो ये जो है आप देखते रहिएगा, ये सब चीज़ें जो है बताने वाली नहीं है, पूछा जा रहा है तो कुछ भी पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, और क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से ये है आपका, एक जैसे मैंने आपको बताया है कि फीमेल इसमें जो है सीएम कहाँ पर है वर्तमान में, कोई भी महिला सीएम का नाम बताइए, ठीक है, वर्तमान में किसी भी महिला सीएम का नाम बताइए और कहाँ पे है वो, तो वेस्ट बंगाल में है ममता बनर्जी, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसके बाद से नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन जो है जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हैं तो वहाँ से भी कुछ कुछ पूछा जा रहा है, कुछ लोगों से नहीं भी पूछा जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था, ठीक है, अंतरिक्ष में
सबसे पहले कौन गया था? आप देखो, अगर भारत की बात हो रही है तो अलग इसका आंसर होगा, विश्व की बात हो रही है तो अलग आंसर होगा, फीमेल होगा तो अलग होगा और मेल होगा तो अलग होगा। ठीक है, तो इसके आंसर चार तरीके से दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि किस उसमें पूछा गया था, मेल पूछा गया है, फीमेल पूछा गया है, या फिर वर्ल्ड में, या फिर इंडिया में। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था, तो इसका आंसर आप देखिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आपका है RBC एंड WBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, ठीक है। और इसके बाद से कानपुर किस लिए फेमस है, तो कोई कानपुर का बच्चा होगा तो उससे पूछा गया होगा कानपुर क्यों फेमस है। ठीक है, इसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर आपके जिले में कुछ है ऐसा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है, तो क्या फेमस है, ठीक है। चलिए, इसके बाद से फिर आपका आता है वही न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बताया जा चुका है इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कौन सा है? कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप कौन सा है? ठीक है, तो कोविन ऐप आप सभी को पता होगा, कोविन ऐप चल रहा है इसके लिए, है ना, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है कोविन ऐप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सरयू नदी कहाँ बहती है? सरयू नदी कहाँ बहती है? ठीक है, अयोध्या बता सकते हैं। और इसके बाद से इंग्लिश की कोई पोयम, ठीक है, हो सकता है सब्जेक्ट इंग्लिश रहा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका जो है सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है लद्दाख कैपिटल क्या है? ले है, ठीक है, लद्दाख कैपिटल क्या है? ले है। इसके बाद से है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। आपको पता है कि अभी इलाहाबाद के चीफ जस्टिस के विषय में आया था, है ना, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में जो है चीफ जस्टिस कौन है वहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से तिरंगा, ठीक है, कलर पूछा गया है ना, रंग प्रतीक। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था BCCI के हेड कौन है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है गेम्स में, तो आप देख के बताइएगा कि BCCI के हेड हैं कौन, ठीक है। और रोलेट एक्ट नंबर 46 आपका है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है आपका अशोक स्तंभ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से, वही कट कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट कीज, ठीक है,
लैन, मैन और वैन कंप्यूटर में पूछा गया है, रैम, रोम, इनपुट डिवाइसेस। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ लोगों से डिस्ट्रिक्ट के विषय में नहीं पूछा जा रहा है, कुछ लोग से सब्जेक्ट के विषय में नहीं पूछा जा रहा है। तो जनरली जो है बेसिक नॉलेज जो है वो चेक की जा रही है, ताकि आप जो है जैसे मतलब कि आप जो है सिंगल डे एग्ज़ाम दे करके आए हैं, वन डे एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो आपने एग्ज़ाम में जो है कई सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे, तो उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ भी जैसे पूछा जा सकता है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि आपसे यही पूछ लें या फिर जो बताया गया है इसी में से कुछ आ जाए। और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसको जो आपके आसपास घटित हो रही हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आप रोज़ देख रहे हो न्यूज़ में हैं, तो इस ये सब चीज़ों को भी अपनी पकड़ में रखेंगे, ठीक है। तो इतना ही है कि 2 दिन का आपका क्वेश्चन पूरा मैंने कवर कर दिया है, 23 और 24 का, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं दिया था। तो ये आपका जो है पूरा 50 क्वेश्चन जो है आप देख लेना, और इसी से रिलेटेड आपका इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई हैं, इसको देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बार बार कहना पड़ता है भाई, इसके लिए तो ना कहना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।